जी गाइस, अब हम एग्जांपल नंबर टू मतलब क्वेश्चन नंबर टू को हम डिस्कस करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट आउट रिवर्स काउंटिंग। अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हम रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवा सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटबीन्स ओपन कर लेते हैं। जी गाइस, अब यहाँ पे हमने रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवाने के लिए हम एक इंटीजर टाइप आई ले लेते हैं, ठीक है, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम जीरो से, ठीक है। तो जीरो से इनिशियलाइज कर इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने हंड्रेड से। तो चलें अब इसके अंदर हम वाइल लूप लगाते हैं। एक कंडीशन ऐसी लगाते हैं कि हमारे पास वाइल की कंडीशन तब तक रहे जब तक आई की वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं आ जाती, तब तक हम वैल्यू चलाते रहेंगे। तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स और ये अपने कंडीशंस पढ़ी थी नॉट इक्वल टू वाली, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक आपके पास कंडीशन नॉट इक्वल टू जीरो ना आ जाए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम इसके अंदर रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवाने के लिए, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जी यहाँ पे अब हम अपना आई को पास करवाएंगे आउटपुट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 तो प्रिंट हो गया, आपने चेक किया कि जो आई है वो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि 100 वैल्यू है, आया यहाँ पे 100 को प्रिंट कर दिया। अब 100 से हमने वैल्यू लेस करनी है, तो या हम कर सकते हैं आई माइनस माइनस कर सकते हैं इस तरह, या तो फिर हम कर सकते हैं आई माइनस इज इक्वल टू वन, के मतलब कि एक आई में से वन माइनस कर दें। तो हमारे पास ये चीज़ कंडीशन लग गई यहीं तक। चलिए हम इसको रन करते हैं। जी गाइस, अब हमारे पास चेक कर सकते हैं जो हमारे पास काउंटिंग है रिवर्स में प्रिंट हुई है। चेक करें हम स्टार्ट पे आउटपुट 100, 99, 98, 97, so on ये चलती जा रही है काउंटिंग रिवर्स में। अब हम इसी प्रोग्राम में से अब हम करेंगे रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवाएंगे, लेकिन हम इवन नंबर्स प्रिंट करवाएंगे। इवन नंबर प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम कंडीशन कर देते हैं माइनस इज इक्वल टू टू, मतलब के आपके पास नंबर इवन आए तो टू टू माइनस करता जाएगा, तमाम 100 से कम जो हैं वो इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो दोबारा रन करते हैं, अब हम अपना प्रोग्राम चेक करते हैं। अब चेक करें आप यहाँ पे, तो पहले 100 प्रिंट हुआ, फिर 98, 96, 94, तो 2-2 का गैप आ रहा है, 2 को कम कर रहा है। तो गाइस आज के लिए हमारे पास ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, ये कंडीशन की प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आप 2 की जगह 3 लगा के चेक करें, यहाँ पे आप 2-2 को एडिशन करके चेक करें, मतलब कि यहाँ आप प्लस लगा के चेक कर लें कि 2 का एडिशन के बाद आपके पास हमेशा 2 के गैप से वैल्यूज आएंगी। अगर आप 3 के गैप से चाहिए वो ज़्यादा कंडीशन है, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारा डेली बेसिस पे इस पर हम लेक्चर अपलोड्स करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।